आज हम कांति जीजी किचन में चाउमीन बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। ये हमने भगोने में पानी लिया है, इसमें नमक डाल देंगे और ये हक्का नूडल्स लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे, बॉयल कर लेंगे। अब इसको बॉयल होने देते हैं। चलिए सब्जियां काट लेते हैं कि इसमें क्या क्या सब्जियाँ पड़ेगा। इसमें हम एक चम्मच ऑयल डाल देंगे, इससे चिपकेगा नहीं। सारी सब्जियां हैं, ये कलरफुल सब्जी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, अदरक लहसुन हरी मिर्च है और प्याज है। हम इतनी सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये नूडल्स हो चुका है, इसको ओवर कुक नहीं करना है, इसको 80% ही कुक करना होता है। अब इसको हम पानी में से निकाल लेंगे। ये हमने कढ़ाई रखी है, ये गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। इसमें हम पहले लहसुन डालेंगे, कटा हुआ खूब सारा लहसुन डालेंगे चाउमीन में, और अदरक डालेंगे। इसको लाल नहीं करना है, हल्का सा बस कच्चापन दूर करना होता है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, डालेंगे गाजर, शिमला मिर्च, सभी सब्जियों को बस एक मिनट बस भूनेंगे। ये क्रंची ही रहेगा, लाल नहीं करना है। इसमें ये हम डालेंगे शेजवान सॉस है, इसको डालेंगे, और ये सोया सॉस है, एक चम्मच डालेंगे सोया सॉस छोटे चम्मच से। दो चम्मच टमाटो केचप है, इसको डालेंगे। ये सारे सॉसेस थोड़े देर पका लेनी है, इससे बहुत ही अच्छा हमारे नूडल्स में टेस्ट आएगा। 1/4 चम्मच सॉल्ट है, क्योंकि सारे सॉसेज में भी सॉल्ट होता है, और इसमें हम थोड़ा सा पेपर क्रश कर देंगे। अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छा नूडल्स बनकर तैयार है, घर में ही, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से नूडल्स को बना सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें चीनी डाल रहे हैं, थोड़ा सा सारे सॉस को बैलेंस कर देगा। अगर आपको जब भी घर में नूडल्स खाने का मन करे तो ऐसे ही बनाइए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से ये नूडल्स बनकर तैयार हो जाता है। डालेंगे स्प्रिंग अनियन ऊपर से गार्निशिंग के लिए। क्या बढ़िया सा चाउमीन बनकर तैयार हुआ है।